दौरान भी प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बाधित न हो, इसके लिए समर्पित था। 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके स्वावलंबन से सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 trillion की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृश्य को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। पूरे बजट में अगर आप उसका बजट पर ध्यान देंगे तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित हैं और उसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है, इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर
और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में, मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे, तो ये 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है, जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर को, कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया, उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स उसमें भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला। लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, Well, that was UP Chief Minister Yogi Adityanath talking about the budget. But just to give our viewers a sense of what has been presented in the budget, some of the key takeaways is that a total of 6.90 crore has been allocated towards various sectors in UP government's budget. This, remember, for 2023-24. In fact, international airports will become functional in the state. In fact, 5. A budget arrangement of 465 crore is proposed for the Agra Metro Rail project. We'll get you more on that big story, but let's shift our focus to